नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदय संगम। फिर आज हम आपके लिए रेलवे से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये रेलवे ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन तथा अन्य रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है, कृपया इन्हें याद रख ले। चलिए तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेलवे की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जीके एंड जीएस यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है। भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 17 जोन। भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरा क्वेश्चन है, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? इसका आंसर होगा 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को देश में प्रथम रेल चली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। और क्वेश्चन नंबर 5वां है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1565 में। चलिए, ये प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रख ले। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।